महात्मा फुले समता परिषद की ओर से आगामी 13 अगस्त को ओबीसी स्वाभिमान दिन मनाया जाएगा। देश में ओबीसी के आरक्षण पर नियंत्रण लाने हो रहे प्रयासों का विरोध किया जाएगा, ऐसी जानकारी महात्मा फुले समता परिषद की विभागीय बैठक में दी गई। वीपी सिंह ने 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिश लागू की थी। इसके लिए उन्हें पंत प्रधान पद भी गंवाना पड़ा था। तभी से देश में मंडल विरोध कमंडल ऐसा वाद शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में निकाल से ओबीसी को कुछ हद तक न्याय मिला, तभी मंडल आयोग की पूरी सिफारिश लागू नहीं हुई। पिछले महीने से ओबीसी का आरक्षण रद्द करने के प्रयास शुरू है। ओबीसी के युवकों को इस बारे में जानकारी देने नागपुर के धनवटे नेशनल कॉलेज के सभागृह में ओबीसी स्वाभिमान दिन मनाए जाने का महात्मा फुले समता परिषद के विभागीय अध्यक्ष दिवाकर गमे ने बताया। इस समय एडवोकेट बाबूराव बेलसरे, जगदीश जुनघरे, नीलकंठ पिसे, श्याम चौधरी, इनके साथ ही समता परिषद के विविध पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे।